नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी अगस्त महीने में वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में किस क्षेत्र विशेष में सावधानी रखने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है और कहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को बड़ी संभावना या बड़ी खुशखबरी इस महीने मिलने वाली है, इस वीडियो में आपको संक्षेप में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें वृश्चिक राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन, और अंत में वृश्चिक राशि के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पूर्व आपको संक्षेप में ग्रह स्थितियों की जानकारी दे दें। इसमें राहु आपके राशि से छठे भाव में और केतु देव आपके राशि के व्यय भाव यानी 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। राहु के साथ 10 अगस्त 2022 तक मंगल आपके राशि से छठे भाव में ही रहने वाले हैं। उसके पश्चात मंगल आपके राशि से सप्तम भाव में चले जाएंगे। इस पूरे महीने गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव में वक्री अवस्था में मौजूद रहेंगे और इस महीने शनिदेव आपके राशि से पराक्रम भाव में वक्री अवस्था में पूरे महीने मौजूद रहने वाले हैं। सूर्यदेव आपके राशि से भाग्य भाव में शुक्र के साथ महीने के मध्य तक गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात राशि के दशम भाव में चले जाएंगे और इस पूरे महीने बुधदेव आपके राशि के 20 अगस्त तक आपके राशि के दशम में रहने वाले हैं। उसके पश्चात एकादश भाव में गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हुई रहने वाली है। तो अगर आपको इस महीने की जानकारी दिया जाए तो इस राशिफल को हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहले भाग में महीने के 15 दिन आ रहे हैं। इसमें अगर करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, राशि स्वामी छठे भाव में राहु के साथ मौजूद हैं, तो कुछ आपको मानसिक रूप से उतार चढ़ाव का सामना करियर के मामले में इस महीने करना पड़ सकता है, परंतु व्यावसायिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह महीना बेहतर रहेगा। 15 अगस्त 2022 के उपरांत करियर में अकस्मात वृद्धि और करियर में अकस्मात सफलता के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो समाज से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हैं, उन्हें जीवन में बड़ी ख्याति इस महीने मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, कोल और माइनिंग, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़े हुए जातकों को इस महीने विशेष रूप से सफलता मिलने की संभावना बन रही है, क्योंकि शनिदेव आपके राशि के पराक्रम भाव में मौजूद हैं। इस महीने आपके जीवन में मान सम्मान के प्राप्त होने की प्रबल संभावना विशेष रूप से आपको देखने के लिए मिलने वाली है। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो नौकरी पेशा है और जीवन में किसी प्रकार के पदोन्नति की संभावना को लेकर यदि आप चल रहे हैं, तो आपके जीवन में पदोन्नति होती हुई इस महीने नजर आ सकती है। आपका प्रमोशन इस महीने हो सकता है और इस महीने वृश्चिक राशि वाले जातकों को विदेशी कार्यों से लाभ होने की संभावना भी बन रही है। धन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, आपके राशि के धन भाव के स्वामी आपके राशि से पंचम भाव में त्रिकोण भाव में गुरुदेव बृहस्पति मजबूत स्थितियों में मौजूद हैं, तो धन के मामले में यह महीना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए काफी ज्यादा बेहतर है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की स्थितियां खराब बनी हुई थी या आपके जीवन में पैसे के फंसे हुए की संभावना बनी हुई थी, उससे आपको इस महीने निजात देखने के लिए मिलेगा। इस महीने वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो लोन वगैरह लेना चाहते हैं, उनके लिए समय काफी ज्यादा बेहतर है। हालांकि कर्ज देने से आपको जीवन में इस महीने बचना होगा। आमदनी में इजाफा होने की प्रबल संभावना इस महीने बनी रहेगी और खास तौर से वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने स्थायी और पैतृक संपत्ति का लाभ होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है।
इस महीने वृश्चिक राशि के जातकों को नए घर में प्रवेश करना यानी नया मकान खरीदने की योजना आप बना सकते हैं, और वृश्चिक राशि के जातक वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं जिसमें आपको भरपूर लाभ और सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, इस महीने पारिवारिक जीवन के लिहाज से चूंकि आपकी राशि का जो पारिवारिक भाव है उसके स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति, तो पारिवारिक जीवन में के मामले में इस महीने आपको ज्यादा किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देगी। द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में उपस्थित होकर आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति का माहौल बनाएंगे। घर में पुराने समय से चल रहा वाद विवाद खत्म होगा। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का आपको आशीर्वाद देखने के लिए मिलेगा। परिवार के सदस्यों के बीच में आप अपना एक अलग ही नाम बनाते हुए नजर आ सकते हैं। इस महीने आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन होगा। इस महीने वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस महीने चुनौतियां ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। आपके प्रेम भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति जो वक्री अवस्था में पंचम भाव में ही मौजूद हैं, तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस महीने थोड़ा सावधानी बरत कर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वैवाहिक जीवन आपके लिए इस महीने मिला जुला रहने वाला है। महीने के 15 दिनों तक आपके जीवन में ज्यादा किसी प्रकार के वैवाहिक जीवन को लेकर समस्या दिखाई नहीं देगी, परंतु 15 अगस्त 2022 के उपरांत आपके पार्टनर के साथ कुछ विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है और इसमें आपको सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता विशेष रूप से रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए संतान को लेकर यदि आपको चिंता बनी हुई थी, संतान के विकास को लेकर, संतान की वृद्धि को लेकर, यदि आपका संतान सही कार्य नहीं कर रहा था उसको लेकर यदि आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा था, तो इस महीने वृश्चिक राशि वाले जातकों को संतान पक्ष से बड़े लाभ की संभावना और बड़े सौगात की संभावना दिखाई दे रही है। इस महीने वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर आपको जानकारी दिया जाए कि आपके लिए सेहत का मामला कैसा रहने वाला है, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों छठे भाव पर राहु देव आपके राशि में वक्री अवस्था में मौजूद हैं और मंगल की स्थिति भी आपके राशि के छठे भाव में ही बनी हुई रहने वाली है, तो ज्यादा किसी प्रकार की समस्या आपको इस महीने देखने के लिए नहीं मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों को यदि पूर्व के समय से किसी प्रकार के घबराहट, मानसिक रूप से तनाव की समस्या, माइग्रेन या सिर दर्द की समस्या आपको परेशान कर रही थी, उससे आपको निजात मिल सकती है। जो वृश्चिक राशि के जातक 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनको जीवन में, अपने जीवन में किसी प्रकार की स्थितियां यदि खराब बनी हुई है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय आपको जरूर लेनी चाहिए और 15 तारीख के उपरांत यानी 10 अगस्त 2022 के उपरांत ऐसे वृश्चिक राशि वाले जातकों को विशेष रूप से मिनरल वाले चीजों का सेवन करना बेहतर रहने वाला है। हरी सब्जियों का विशेष प्रयोग करें, फास्ट फूड और जंक फूड से आप दूरी बनाएं, चाय, शक्कर, वसा युक्त भोज्य पदार्थों से दूरी बनाएं, अन्यथा वजन बढ़ने की समस्या आपको परेशान कर सकती है। और वृश्चिक राशि वाले ऐसे जातक जो नशे जैसी आदत में रहते हैं, जैसे शराब, धूम्रपान या मांसाहार जैसे विषयों का जो जातक सेवन करते हैं, उनको भी इस महीने सतर्कता रखना चाहिए, इन सभी चीजों से आपको दूरी बनाना चाहिए। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो इस महीने वृश्चिक राशि वाले जातकों को किसी प्रकार का, यदि आप कार्य करने के लिए घर से जा रहे हैं तो घर से निकलते वक्त आपको 1 मिनट तक राम राम का उच्चारण करना बेहतर रहने वाला है। यदि आप ऐसे करके यदि आप घर से निकलते हैं तो किसी प्रकार का कार्य करने के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको अच्छी सफलता या अच्छी सौगात देखने के लिए मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस महीने को बेहतर करने के लिए केसर का तिलक आपको मस्तक पर जरूर लगाते रहना चाहिए।
और गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल है। मंगल को अनुकूल बनाए रखने के लिए जो वृश्चिक राशि के जातक, मंगलवार के दिन यदि आप हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को मीठे प्रसाद का भोग लगाते हैं या हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो भी संभावना आपके लिए शुभ और बेहतरीन बनेगी। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है तो आप हमें जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।